हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपका पेट कड़क किन कारणों की वजह से होता है और ये क्या क्या संकेत देता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो, और लाइक शेयर करके अपना ढेर सारा प्यार भी जरूर बरसाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम से ही गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो गर्भाशय होता है वो बेबी के लिए जगह बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जो अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक पड़ने लगता है, खाना हमारा ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। और कई बार आपका जो पेट कड़क होता है शुरुआती दिनों में, जैसे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो वो गैस की वजह से भी हो सकता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में गैस बनने की वजह से पेट कड़क हो जाता है, और जब आपको गैस अच्छे तरीके से जब पास हो जाती है तो पेट आपका हल्का हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो बात एक नॉर्मल हुई, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के सातवें महीने में अगर आपको पेट कड़क होने के साथ साथ आपको पेट में मरोड़ हो रही हैं और साथ में आपको पेट दर्द भी हो रहा है, रुक रुक के दर्द हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रीमेच्योर डिलीवरी का सिम्टम होता है। इस कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपका आठवां या नौवां महीना आता है तो आपको कॉन्ट्रेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होना शुरू कर देता है, जिस वजह से गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन मतलब होता है कि आपको हल्के दर्द पीठ में भी हो सकते हैं और पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकते हैं, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए आपको दर्द होगा और अपने आप ही वो दर्द सही हो जाएगा, और उस दर्द के साथ आपको क्या होगा कि पेट कड़क हो जाएगा अचानक से, कुछ टाइम तक आपका पेट कड़क रहेगा और आपको दर्द भी फील होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही अचानक से अपने आप ही, अगर आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं, खड़े हैं बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो दर्द फिर आपका ठीक हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, फॉल्स लेबर पेन होते हैं, जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि अब आपका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। इस तरीके का ये सिम्टम बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सातवें, आठवें, नौवें महीने में कड़क हो रहा है पेट, लेकिन दर्द नहीं है, आपको बहुत तेज़ दर्द नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर पेट कड़क होने के साथ आपको बहुत तेज़ दर्द फील हो रहे हैं और कंटिन्यू दर्द है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिलीवरी टाइम आने का संकेत होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी में पेट कड़क अचानक से क्यों हो जाता है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा बेबी चैनल है उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।